कौन सर? गुड मॉर्निंग ऑल। आज का टॉपिक जो हमारा है एंटीडोट्स है साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, आज का अपना ये मेन टॉपिक्स है एंटीडोट्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। मेनली है साइनाइड पॉइजन क्या होता है, किस तरह से हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, और इसके लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं, एजेंट यूज करते हैं, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो मेन अपना है एंटीडोट्स, मतलब एंटीडोट्स है क्या। तो एंटीडोट्स हम किसके लिए काम करते हैं, जो पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन्स के लिए एंटीडोट्स बनते हैं ना। चाहे वेनम्स का हो सांप के काटने के, या किसी भी एनिमल्स है उसके काटने पे कोई भी पॉइजन्स जब हमारे बॉडी में हो जाता है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे हो सकता है, किसी भी लिविंग सेल पे, लिविंग पर्सन पे हो सकता है, उसका पॉइजन्स का इफेक्ट होता है, एनिमल पे भी हो सकता है और मैन पे भी पॉइजन्स का इफेक्ट हो जाता है। पॉइजन्स ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, अपने द्वारा बनाए हुए पॉइजन्स भी हो सकते हैं। कुछ क्या होते हैं पॉइजन्स, लार्वास में होते हैं, किसी किसी भी एनिमल्स के या एलिमेंट्स जो जितने भी प्रकार के जीव होते हैं उन पे पॉइजन्स होता है। ह्यूमन के भी माउथ में या ह्यूमन के भी बॉडी में कुछ परसेंटेज पॉइजन्स होता है, लेकिन वो क्या है, अफेक्ट नहीं करता, बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट नहीं करता, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि एंटीडोट्स का क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों एंटीडोट्स का क्या ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल भी जनरली गाँव में रूरल एरिया में सांप काट लेते हैं, समझ में कोबरा है, करें थे, सांप काटने से बहुत लोग मेजर डेथ हो जाती है लोगों की, या तो बहुत लोग एज ए सुसाइडल पर्पज़ के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए, किसी को मारने के लिए यूज़ करते हैं, पॉइजन्स का यूज़ करते हैं, या सेल्फ सुसाइड करने के लिए लोग पॉइजन्स का यूज़ करते हैं, जैसे अक्सर सेल्फ हास लेते हैं या कीटनाशक दवाइयों को पी लेते हैं, है ना। तो सेल्फ मतलब करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, या किसी को मारने के लिए क्रिमिकल्स, या कभी कभी हमारे पास एनिमल बाइट कर देते हैं तब भी पॉइजनस हो जाता है, या तो जो भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे अपन नॉर्मल अगर रूरल एरिया में नॉर्मल शब्दों में बोले तो सांप के काटने से के और बिस खोपड़ा है उसके काटने से, कभी कभी बिच्छू का भी डंक से लोगों की बिच्छू के काटने से भी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इनके से बचाव के लिए डिफरेंट डिफरेंट्स के एंटीडोट्स बनाए जाए हैं। कुछ हमारी मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स के कारण भी पॉइजन्स हो जाता है ना। मेडिसिन्स के डोज से, ओवरडोज से या साइड इफेक्ट से पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम अपन देखेंगे, है ना। तो हमने पहले एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि क्लियर आवाज आ रही है हमारी, बहुत यस सर, क्लियर यस सर, यस सर, यस सर, पिछले साफ, क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था ना, यस सर, रूरल एरिया में बहुत सारे सांप होते हैं जिसको काटने से फियर, डर से भी लोगों की डेथ हो जाती है। कुछ ऐसे सांप होते हैं जो नेचर के नहीं होते, मतलब जिनके में पॉइजन्स नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा में मेजर में पॉइजन, जैसे कोबरा में मैक्सिमम पॉइजन्स पाया जाता है, करैत। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि करैत सांप काटने से और कोबरा दोनों के सांप काटने से डेथ किस प्रकार से होती है। तो हमने बताया था कि जो कोबरा होता है जिसको नाग बोलते हैं, या काला वाला सांप जिसको बोलते हैं, उसके काटने से हमने बोला था कि हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक मतलब वो हीमोग्लोबिन में जाकर के हीमोलाइसिस हो जाता है, हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करता, मतलब हीमोटॉक्सिक होता। दूसरा हमने बताया था जो करैत सांप होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, हमारे न्यूरोन सिस्टम पे जाके अटैक करता है और हमारी साथ साथ अफेक्ट करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, मतलब रिस्पायरेशन पे। दोनों सांप में बहुत एक फैक्टर्स हैं आपको ध्यान है, जब भी आपको काला वाला सांप काटता है जिसको नाक बोलते हैं, कोबरा काटता है, उस कंडीशन में क्या होता है, पेन होता है, दर्द भी होता है, जलन होती है, ठीक है, बहुत पेन ब्लडिंग होती है। लेकिन जो करैत काटता है उसकी कंडीशन में जल पेन नहीं होता है, यही इसका डिसएडवांटेज है। तो कभी कभी करैत काट लेता है तो पता भी नहीं चलता, और मैक्सिमम 99% लोग बचते नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इससे। सर करेट क्या होता है सर? दवाई करैत एक होता है सांप में, आपको अभी साफ होता दूसरी स्लाइड में मैं उसके वो दिखा दूंगा, स्ट्रक्चर मतलब है स्नेक होता है, स्नेक एक होता है आदमी के काटने से भी डेथ होता है स्नेक तो बहुत सारे हैं क्लास में, है ना। तो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको उसका दोनों को डायग्राम बता दूंगा क्या डिफरेंस है। सर सर आदमी के काटने से आदमी का डेथ हो जाता है?
ठीक है। तो ये अपन क्लासेस है, आगे ये जो अपन जो भी पॉइजनस होता है अगर किसी के या एनिमल हो, अगर वो पॉइजन को उसकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है तो डेथ नहीं होती। बहुत जन लोग कोबरा काटने भी डेथ नहीं होती है, और कभी कभी फेयर से डर से भी डेथ हो जाती है ना। तो पॉइजन हमने कहा शरीर में बॉडी में भी ह्यूमंस के अंदर भी पॉइजन होता है, फिर दूसरे पर्सन के किसी के अगर आपकी बॉडी कितना उसको मैनेज कर पा रही वो इम्पोर्टेंट होता है ना। कभी कभी डर से थोड़ा सा भी हो जाता है तो इफेक्ट हो जाता है ना। तो आगे हमने डिस्कस किया ये हमने प्रीवियस क्लास में, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू द WHO WHO के अकॉर्डिंग एंटीडोट्स क्या होते हैं, ए थेरेप्टिक सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जो थेरेप्टिक रिस्पॉन्स देते हैं, डिसीज के लिए यूज करते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो टॉक्सिसिटी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है उस टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट उनका काउंटर कर दे, मतलब टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट काम वर्क करने वाले सबस्टेंस को क्या बोलते हैं, एंटीडोट्स बोलते हैं। एंटीडोट्स थेरेप्टिक सबस्टेंस यूज काउंट ट्रैक्ट द टॉक्सिक एक्शन, टॉक्सिसिटी को काउंटर करने वाला, उसके इफेक्ट को कम करने वाला स्पेसिफाइड जीनोमेटिक्स। तो हमने कहा सपोर्टिव थेरेपी और करेक्ट एंटीडोट्स दोनों मिलकर क्या होता है, पेशेंट सर्वाइवल। एंटीडोट्स रिड्यूस द ओवरऑल बर्डन ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजिंग पॉइजन केसेस, मतलब हम एंटीडोट्स का एक्चुअली बर्ड का यूज कहाँ करते हैं, पॉइजन के केस में, जो पॉइजन को मैनेज करे, पॉइजन को कम कर दे, उसके अगेंस्ट वर्क करे, उसको क्या बोलते हैं। मतलब ऐसा सबस्टेंस होता है जो हम एडमिनिस्ट्रेट हो सकता है ओरली, माउथ के थ्रू भी हो सकते हैं, नाक के थ्रू, इनहेलेशन, स्किन के कॉन्टेक्ट में या म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में प्रोड्यूस इलनेस, जिसके कारण हमारी हेल्थ क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पुअर हो जाता है, और फाइनली डेथ भी हो सकता है। इसके केस में दो प्रकार की एक्यूट और क्रोनिक भी पॉइजनिंग, एक्यूट पॉइजनिंग में भी एक्सीडेंटल हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हो सकता है, सुसाइडल या क्रिमिनल केस हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑफन इम्पोर्टेंट फॉर द ड्रग पॉइजनिंग, बहुत सारे सेल्फ मेडिकेशन, ड्रग की भी पॉइजनिंग हो जाती है, आगे डिस्कस करेंगे, ड्रग की भी पॉइजनिंग हो जाती है, ऐसा नहीं कि ड्रग का पॉइजनिंग लेकिन मेनली क्या होती है, ऑक्यूपेशनल हो सकता है, कभी एक्सीडेंटल केस हो सकता है, कोई सुसाइड करने के लिए यूज करें या क्रिमिनल केसेस के केस में हो सकता है। द पॉइजन वेदर एक्सीडेंटल आर इंटेंशनली रिक्वायर्ड इमीडिएट सपोर्टिव एंड सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट, अवॉइड एनी थर्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ द मैनेजमेंट पॉइजनिंग विल बी ग्रेटली डिपेंड ऑन द identification, ingested poison, corrosive substance, that specific agent, इसको बोलते हैं antidote, which counteract the poison can be used. मतलब जब भी कोई भी poisons ले रहे हैं, वो जो body में गया है, वो effect दे रहा है, तो उसको क्या करें पहले, identify करें, identify करके कि उसको जो हमारा substance है, उसको inject करें, और वो क्या करेगा, जो भी poisons होगा, उसके effect को counteract करेगा, मतलब उसके effect को कम कर देगा, मास कर देगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, इस तरह। तो अपन देखेंगे एंटीडोट्स एजेंट एंड काउंटर द पॉइजन, एंटीडोट्स ऐसा एजेंट होता है, आप एक सिंगल लाइन में करेंगे तो क्या होगा, पॉइजन के काउंटरैक्ट करना, काउंटर कर देना, उसके इफेक्ट को कम कर देना, कमजोर कर देना। दे आर थ्री टाइप्स जनरली एंटीडोट्स, तीन प्रकार से हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन में, फिजिकल एंटीडोट्स, केमिकल और फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, कभी इसको बोलते हैं मैकेनिकल, फिजियोलॉजी मतलब जिस तरह से आपका पॉइजन आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी का चेंज कर रहा है, उसी के जस्ट अपोजिट एक्शन करना है, वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल। दूसरा केमिकल एंटीडोट्स यूजली कंबाइंड विद पॉइजन, मतलब पॉइजन से कंबाइन होकर चेंज इट्स नेचुरल एंड पॉइजन कैन नॉट एक्ट एनीमोर, मतलब अब वो जाकर के जो पॉइजन लिया उसी पे जाकर के बाइंड अप हो गया, कंबाइन कर लिया, अब उसके इफेक्ट को ज्यादा नहीं होने देता। थर्ड है मैकेनिकल एंटीडोट्स, दे यूजली एक्ट द प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन, जैसे जो भी पॉइजन लिया है या किसी ने के थ्रू हमारे बॉडी में पॉइजन पहुंचा है माउथ के थ्रू, या किसी को इंसेक्ट काटा है, या कोई भी इसके थ्रू जो हमारे बॉडी में पहुंचता है उसको तो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है,
एक्सपेल कर देता है पॉइजन इमेसिंग लिमिटेड थ्रू यूरिन के थ्रू मास करके या यूरिन के थ्रू वो पॉइजन को बाहर कर देते हैं। मतलब एग्जांपल देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स में। सपोज सर, हेलो सर, फिर से वो स्लाइड बता दीजिए सर, फिर से आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल करते हैं आगे। ओके सर, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स की बात करने का कि काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजंस प्रोड्यूस द इफेक्ट। सपोज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एक सब्सटेंस है कन्वर्ट का। अब मान लीजिए हीमोग्लोबिन में आपका पॉइजन हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में आपका पॉइजन जाकर के मिल गया, मिक्सअप हुआ है, तो ये हीमोग्लोबिन इनटू किसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, मेथाग्लोबिन, ऑर्डर टू बाइंड साइनाइड, और साइनाइड को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। फिजियोलॉजिकल में मतलब काउंटर इफेक्ट करेगा। केमिकल एंटीडोट्स जो हम बताए उसकी बात करते हैं, केमिकल नेचर इन पॉइजन, उसके लिए हम क्या लेते हैं, जैसे सोडियम थायोसल्फेट, ये सब्सटेंस है, अगर किसी को पॉइजन हो गया है तो हमने कौन सा केमिकल लिया, सोडियम थायोसल्फेट, है ना। ये क्या कर देता है, कन्वर्ट सिस्टमेटिक टॉक्सिक साइनाइड टू नॉन टॉक्सिक। मतलब मान लीजिए अगर बॉडी के अंदर साइनाइड की पॉइजनिंग हुई है तो आपने लिया सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, साइनाइड से मिल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ अब ये क्या करेगा, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बताएंगे किस तरह से कन्वर्ट करता है ना। अभी हमने कहा कि सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम क्या काम करेगा, आपका जो साइनाइड है उससे कंबाइन करके मिक्सअप होके काम करेगा। सोडियम और कैल्शियम ईडीटीएट, ये सोडियम और कैल्शियम ईडीटीएट होते हैं, ईडीटीएट आप पढ़ रहे होंगे एनालिसिस के प्रैक्टिकल में, कम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन। तो कम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन में एक मेटल साइंस होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, लिगेंड। तो लिगेंड और मेटल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चिलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी प्रकार अगर किसी भी पर्सन के पास हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई है, हैवी मेटल मतलब जैसे लेड, लेड की पॉइजनिंग उसके पास हो गई है ना, तो क्या करता है, हमने कैल्शियम और सोडियम दे देंगे तो जाकर के उससे चिलेट का फॉर्मेशन कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, ये केमिकल एंटीडोट्स। तीसरा है मैकेनिकल एंटीडोट्स में, हमने कहा कि जैसे मान लो बॉडी में कोई भी पॉइजन लिया और जाकर के एब्जॉर्ब हो रही, तो एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, तो जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल मतलब होता है कार्बन, ठीक है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब द पॉइजन प्रायर टू एब्जॉर्प्शन क्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल। अब जैसे हमने कोई को लिया पॉइजन, स्टमक में जाएगा फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा ना, तो इफेक्ट देगा, ये कहता है एक्टिवेटेड चारकोल विच एब्जॉर्ब द पॉइजन में prior to the absorption across the intestinal wall से, मतलब वो पहुंचने से पहले उसमें जाकर के absorb हो जाएगा उसके साथ, है ना। जैसे दूसरा copper sulfate, magnesium sulfate and sodium monohydrogen phosphate are inactive and precipitate the toxic material or insoluble solute, जो भी toxic materials होगा उससे precipitate और shape जम जाएगा material और एक प्रकार का insoluble salt बना लेगा। soluble नहीं होगा, घुलन नहीं होगा, तो क्या होगा, urine के through feces के through क्या होगा, से बाहर निकल जाए, मतलब पॉइजन से जाकर के बाइंड अप कर लेगा, होगा, और उसके अंदर से मिलकर के एक प्रेसिपिटेट बना लेगा और प्रेसिपिटेट के बाहर चलेगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल टाइप जो प्रेसिपिटेट होगा अब शेप होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल इसके साथ पॉइजन के साथ मिलकर के बन जाएगा। ये तीन प्रकार से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग क्या है, मतलब अपने सिलेबस में किया है सिर्फ साइनाइड पॉइजनिंग, पॉइजनिंग तो बहुत प्रकार से हो सकती है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि साइनाइड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है ना। तो रिक्वायर स्पेशल अटेंशन बिकॉज मे बी नंबर ऑफ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक, सच एज इनहेलेशन हाइड्रोसाइनिक एसिड, अगर हम इनहेल कर लिए हाइड्रोसाइनिक एसिड लाइक उसके फ्यूम्स को, फ्यूम्स आती है, इंजेशन ऑफ सोल्यूबल इनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साइनाइड साल्ट, साइनाइड सब्सटेंस और हो सकते हैं साइनोजन क्लोराइड, है ना, सीड्स ऑफ चोकोवरी की सीड्स, पिंच ऑफ एप्रिकॉट्स हो सकता है, बिटर आलमंड होगा, फोटोग्राफिक केमिकल, सिल्वर पॉलिश, है ना, तो ये सारे चीजें भी पॉइजनस नेचर होती है, पॉइजनस नेचर की होती हैं, इनके द्वारा भी साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। और कहता है कंसेप्शन 300 mg पोटेशियम साइनाइड में कॉज द डेथ, 300 mg पोटेशियम साइनाइड डेथ के लिए बहुत है, इतने में भी डेथ हो सकती है। ये मतलब हमने कहा कि जो प्लांट्स के कुछ फ्रूट्स हैं, उनकी कुछ सीड्स हैं, बीज हैं, उनके थ्रू भी साइनाइड पॉइजनिंग होती है ना। आप ये देख रहे हो यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज चैन है, लॉकडाउन हो गए इनका साइनाइड की तरह,
cannot stand you, you bitter old almost, है ना। यहाँ पे आगे देखते हैं, ये हमने दिखा था डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, इनके फ्रूट्स की जो सीड्स होती हैं, जैसे मान लो एप्पल की सीड्स हो गई, कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं बीजे, वो हानिकारक होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं, तो कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करें, मतलब उसको ना लें। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जनरली हमने कहा है, बार बार कहा कि आपके बॉडी के अंदर के कुछ पार्ट में पॉइजनस है, तो वो आपके लिए फिट नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए फिट हो सकता है ना। तो थोड़ा बहुत अमाउंट आपकी बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको मेंटेन कर लेती है, लेकिन अगर उसका डोज ज्यादा हुआ तो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेप्स आते हैं, ये डैम फोटो स्नैप है जिसको आप देख के पता कर सकते हैं कि अब साइन ऑफ सिम्टम्स क्या होगा, अगर किसी को पॉइजनिंग होता है तो क्या हो सकता है, इसके साइन लक्षण क्या होते हैं। तो साइन ऑफ सिम्टम ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग इंक्लूड द, है ना, पहले उसको देख लेते हैं, फिर नीचे समझाइए, नोसिया वोमिटिंग हो सकती है, ड्राउजनेस हो सकती है, डिजनेस, हेडक, हाइपोटेंशन, डिस्पोनिया, कोमा हो सकता है, कन्वल्सन्स हो सकता है, डेथ हो सकता है। डेट मे अकर विद द माइनर साफ इनहेलेशन ऑफ साइनाइड, ठीक है, थोड़ी सी साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड से भी बहुत जल्दी डेथ हो सकती है, या वाइल द इन कॉज डेथ इन सेवरल आवर, कुछ ही घंटों में मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। ये मेन साइफ्रेंस है। तो अपन देखते हैं माइल्ड टॉक्सिसिटी में क्या होगा, नौसिया आती है, डिजनेस एंड ड्राउनेस हो सकता है, मॉडरेट ज्यादा टर्म बीच का, मतलब थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है तब ये, अगर थोड़ा सा बीच की टॉक्सिसिटी है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, तो लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, बेहोशी हो सकती है शॉर्ट पीरियड के लिए, कन्वल्सन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है। सेवरल टॉक्सिसिटी अगर हो गई है, ज्यादा टॉक्सिसिटी, तो आदमी कहाँ जा सकता है, कोमा में, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पुपल्स, डायलेटेड जिसको कहते हैं कि आंखें बंद हो जाने, पुतली आंखों को कहते हैं ना, पुतली नहीं वो पकड़ पा रहा, चिपका भी पा रहा, हाँ, डिओरेटिटी, कार्डियो रिस्पायरेटरी फंक्शन, मतलब जो श्वसन तंत्र होता है वो भी अफेक्ट हो सकता है। ये किसके कारण हो सकता है, जब साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। साइनाइड रेडली तो कैसे होगा, अब आप समझिए किस तरह से साइनाइड हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है ना, किस तरह से बॉडी में साइनाइड उसको अफेक्ट कर रहा है। तो साइनाइड रेडली कंबाइंड विद फेरिक आयंस, अब आप देखते हो कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हीम होता है, हीम मीन्स आयरन, आयरन के अंदर इसका फार्मूला क्या होता है, फेरिक, दो फॉर्म होता है फेरिक और फेरस, ठीक है। और साइटोक्रोम चेन्स होती हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, साइटोक्रोम चेन एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है ना, रिस्पायरेटरी चेन, है ना, चेन मैकेनिज्म। तो कहता है यहाँ पे सिंपल देखना है, ज्यादा नहीं डीप नहीं करना, साइनाइड्स क्या करता है, रेडली कंबाइंडिंग द फेरिक आयन, ही मतलब आपका जो रक्त है, आपके ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीम का मेन कंपोनेंट है क्या, आयरन, आयरन का मेन फार्मूला क्या होता है, फेरिक, वो किस फॉर्म में रहता है, फेरिक। तो साइनाइड क्या करेगा, फेरिक फॉर्म को कंबाइन करेगा, साइनाइड फेरिक को कंबाइन, आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विच प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म हो रहा है, वर्क कर रहा है, उसके में इफेक्ट करेगा। तो कहता है साइनाइड रेडली कंबाइन विद फेरिक आयन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विच प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड देन स्टॉप सेलुलर रिस्पायरेशन। अब आपके श्वसन तंत्र के लिए जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज होती है, जो रिस्पायरेशन के लिए, श्वसन तंत्र के लिए रिस्पायरेशन जरूरी है, तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोक देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दस स्टॉप सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब आपको समझना है कि जब भी आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, ब्लड का क्या काम होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और आपकी जो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म होती है, श्वसन तंत्र को उसको क्रियान्वित करना, उसके वर्क को मेंटेन करना, है ना। आप ज्यादा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा अपना क्या काम है कि साइनाइड फेरिक आयन से कंबाइन कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और सेलुलर रिस्पायरेशन को रोक देता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ड्रग ने कहा था, ड्रग लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट दोनों स्पेशल फेयर द ट्रीटमेंट ऑफ सोयाबीन, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेंगे, फर्स्ट इंजेक्टेड सोडियम नाइट्राइड की विच कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस, अब वहां पे फेरिक था, यहाँ फेरस आयन, हीमोग्लोबिन टू द फेरिक आयन,
आप मेथे बोलिए। अब देखो अब वो फेरिक से फेरस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या करेगा, जो हमारा ड्रग लेंगे आगे हम देखते हैं, फेरस से हीमोग्लोबिन उधर वो फिर से फेरक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो क्या कहेगा, कैसे, किस काम में, हमने कहा था हीमोग्लोबिन को मेथाग्लोबिन में कन्वर्ट कर रहा है ना, आगे देखो बता। तो जब मेथाग्लोबिन इज फॉर्म द कंबाइन विद सीरम साइनाइड, जो सीरम साइनाइड्स है उससे कंबाइन करेगा कौन, मेथाग्लोबिन, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर रहा था, हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट होगा मेथाग्लोबिन, तो मेथाग्लोबिन से जो सीरम पार्ट से साइनाइड पार्ट होगा उससे क्या करेगा, कंबाइन करेगा, नॉट इट इंटर द सेल, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द साइनोमेथाग्लोबिन। अब साइनाइड से मिल गया और साइनाइड से बनकर के साइनोमेथाग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट द एसेंशियल एंजाइम फ्रॉम द साइनाइड, और उसको क्या करता है, एसेंशियल जो जरूरी है उसके लिए उसको, अब वो साइनाइड पहुंच जाएगा ब्लड में, पूरा ब्लड का काम क्या क्या करे, अफेक्टेड कर देगा, मतलब अगर पॉइजनिंग होती है तो किस तरह से इंसान की डेथ होती है, तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हमारा फेरस आयन है, फेरिका है, जो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखकर उसी के मैकेनिज्म को कौन काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, साइनाइड कर रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होने दे रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो जाएगी, तो क्या होगी, फाइनली डेथ हो जाएगी। तो कहेगा सोडियम नाइट्राइड हीमोग्लोबिन से मेथाग्लोबिन, मेथाग्लोबिन साइनाइड से बना कंबाइन करके साइनोमेथाग्लोबिन बना देता है, इससे क्या होगा, वो मास को गया कंबाइन हो गया और आगे की मैकेनिज्म आपको नहीं देता, इससे क्या होगी, अपनी रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म प्रॉपर फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी और चलना चालू होगी। ये कहता प्रोटेक्टिंग एसेंशियल एंजाइम फ्रॉम द साइनाइड, यहाँ पे देखेंगे, जैसे दूसरा है सोडियम थायसल्फेट, अब ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन किया कौन सा, सोडियम नाइट्राइड पहले में, तो क्या बनाया मेथाग्लोबिन, मेथाग्लोबिन कंबाइन किससे करेगा, साइनाइड आयन से, तो क्या बनाएगा साइनोमेथाग्लोबिन, और फिर कौन सा आ जाएगा हमारा सोडियम थायसल्फेट, सोडियम थायसल्फेट ले लिया तो ये क्या कर देगा, थायोसाइनेट नॉन टॉक्सिक बना देगा, पहले टॉक्सिसिटी कॉज हो रही थी है ना, पॉइजनस हो रहा था, तो ये क्या कहता है, सबसे पहले सोडियम नाइट्राइड का 0.3 ग्राम लेंगे वाटर के साथ, मेथाग्लोबिन बनेगा, मेथाग्लोबिन साइनाइड से कन्वर्ट होकर साइनोमेथाग्लोबिन, फिर सोडियम थायोसल्फेट आ जाएगा, वो कंबाइन करके उसको थायोसाइनेट आयन्स में नॉन टॉक्सिक फॉर्म में बना देगा। तो आगे देखें इसको, आफ्टर कुछ देर बाद 5 मिनट के बाद अलाउ द इंटरवेनस इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पहले हमने क्या दिया सोडियम नाइट्राइड, उसके 5 मिनट बाद हमें क्या देना सोडियम थायोसल्फेट को दे दिया, ठीक है 50 ml 10 मिनट्स लिए, पहले 5 मिनट्स लिए दिया फिर और दिया है ना, तो क्या करेगा थायोसल्फेट आयन रिएक्ट विद साइनाइड आयन सेट फ्री स्लो डिसोसिएशन साइनोमेथाग्लोबिन और बींस आर डिलीवर्ड टू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट, नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट बना और वही क्या होता है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए जो एक प्रकार की एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी होती है ना, उस एंजाइम में कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, बोलते हैं रोडनेज, रोडा नेम्स, ठीक है, ये कहता है रिएक्शन ऑफ कैटलाइज, आप ध्यान से देखेंगे ना, रिएक्शन ऑफ द कैटलाइज, ये सोडियम थायोसल्फेट हुआ, ये साइनाइड आयन से, यहाँ पे एंजाइम कौन सा था रोडनेज, ये थायोसाइनेट ऑक्सीडेज बन गया, यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम थायोसल्फेट था, ये साइनाइड है, ये क्या करेगा SCN आयन बनेगा, सोडियम थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट, ये कौन सा आयन बना थायोसाइनेट आयन, और ये सोडियम सल्फाइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पे कौन काम करता, सिर्फ सोडियम और सल्फर, एक सल्फर इस साइनाइड आयन से मास कर लिया, क्या बन गया SCN, और ये SCN जो मास हो गया पॉइजन, ये हमारा यूरिन के थ्रू थायोसाइनेट आयन बाहर, ये कहता है यहाँ पे ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है हाइपर, ये कहता है हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, और उसके बाद अब कहते हो कि बहुत ज्यादा है, किसी को पॉइजनस हो गया है, अब उसको सांस भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन भी नहीं हो रहा, सब कुछ पहले हम उसको दे रहे हैं, तो क्या करते हैं इसके लिए, ये कहता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड हैज बीन रिपोर्टेड द इफेक्टिव साइनाइड पॉइजनिंग बिकॉज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस साइनाइड फ्रॉम द ऑक्सीडेज साइटोक्रोम। तो आपने पढ़ा, आप भी पढ़ेंगे आप बायोकेमिस्ट्री में, साइटोक्रोम मैकेनिज्म होती है जो रिस्पायरेशन के लिए होती है, हमें उसको अभी मतलब नहीं, हमारा सिर्फ मतलब है ड्रग किस तरह से काम कर रही है, कौन कौन से ड्रग हम यहाँ पे ले रहे हैं, सबसे सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट हैज बीन यूज्ड फॉर द एंटीबॉडी,
ये दोनों ड्रग से आपकी टॉक्सिसिटी क्या हो रही है, ड्रग की जो साइनाइड पॉइजनिंग हुई थी वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये मैकेनिज्म। देखिए अब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ना, अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये हमारा एंजाइमेटिक एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन चाहिए ठीक है, फिर मेथाग्लोबिन, मेथाग्लोबिन से क्या बना साइनोमेथाग्लोबिन, साइनोमेथाग्लोबिन में साइनाइड इधर चला आया, मेथाग्लोबिन बना, जो साइनाइड आया यहाँ पे कौन से एंजाइम लिया, सोडियम थायसल्फेट, सोडियम थायसल्फेट साइनाइड से रिएक्शन किया था, क्या बना थायसोनेट, इसके प्रेजेंस में द प्रेजेंस ऑफ रोडानेज एंजाइम ली, और यहाँ पे क्या बन गया ये मेथाग्लोबिन, फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हुआ। जैसे ये थायसाइनेट आया हमने कहा ये इलिमिनेटेड यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा, ये सारी मैकेनिज्म। दूसरा साइनाइड इन ब्लड आया, देखो ये कहता है ब्लड में साइनाइड आया, ये साइनाइड इधर जाएगा ठीक है, तो हमारी ड्रग यहाँ पे काम कर रही थी पहले कौन सी सोडियम नाइट्राइड, उसके बाद सोडियम थायसल्फेट, दोनों हमारी वर्क करते हैं पॉइजनिंग के लिए ठीक है। तो ये हमारा आगे देख लो ये साइनाइड्स क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज चेन जो होती है वहां पे पहुंच जाएगा और ये एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगी डेथ हो जाती है इंसान की है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या आ गया पॉइजन आ गया हीमोग्लोबिन को ठीक है। तो ये जनरली हमने क्या देखा, ट्रीटमेंट क्या देंगे जनरली जब भी पॉइजनिंग हो जाती तो सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया सोडियम नाइट्राइड, सोडियम थायोसल्फेट, एमाइल नाइट्रेट, एक्टिवेटेड चारकोल, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी देंगे ऊपर से, या ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ऑक्सीजन पहले देंगे क्योंकि अपने आप बॉडी रिकवर करके हाइड्रोक्सी कोबाला में चला सकते हैं। ये हमारा क्या होता है सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए देते हैं ठीक है। अब यहाँ पे डोजिंग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने दिखा दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं, एमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोक्सी कोबालामिन, मतलब साइनाइड पॉइजनस में इनका कॉम्बिनेशन देते हैं जिससे एक पर्सन रिकवर हो जाता है ठीक है। तो हमने कहा कस्ट एम्पूल के थ्रू, जैसे एमाइल ओरल दे रहे हैं, इंजेक्टेबल दे रहे हैं, एम्पूल नीडेड 15 सेकंड के लिए, मे बी रिपीट भी कर सकते हैं दो तीन बार है ना इंटरवेनस स्टिमुलेट, एमाइल नाइट्रेट भी या सुड बी डिस्क्रिमिनेट इन द आईवी ऑप्टेन, ये क्या करता है इंड्यूस करता है मेथा ग्लोबिनेमिया बाय द ऑक्सीडेशन टू बाइंड द साइनाइड से बाइंड करके मेथाग्लोबिन, सोडियम नाइट्राइड करता है ये इंड्यूस करता है मेथाग्लोबिन बाय द ऑक्सीडेशन टू बाइंड द साइनाइड, दोनों मतलब सोडियम नाइट्राइड और एमाइल नाइट्राइड दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। सोडियम थायसल्फेट क्या कर रहे थे हमने कहा था कंबाइन विद अनबाउंड साइन, जो बाउंड साइन नहीं हुआ जो अलग से चला गया है उस साइनाइड से क्या करेगा कंबाइन होकर के यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएटेड हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोक्सी कोबालामिन देते हैं, विटामिन से 5 mg एडल्ट एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं आईवी रूट के थ्रू 15 मिनट के लिए, रिपीट भी कर सकते हैं इसको डोज के लिए 70 mg/kg चिल्ड्रेन के हिसाब से, कंबाइन विद अनबाउंड साइनाइड से भी कंबाइन कर देता है और ये क्या बनाता है हाइड्रोक्सी कोबालामिन साइनाइड से साइनोकोबालामिन में बनाता है। तो इस तरह से आपका ये इस तरह से डोजिंग हो जाती है ना, ये पहला हमारा पार्ट हो जाता है, आगे और अभी देखेंगे इस तरह से हमारा साइनाइड वर्क करता है ना, और